नमस्कार, ये है रिव्यू कॉर्नर और मैं हूं तुषार उप्रेती। तो 2016 में तेलुगु में एक फिल्म आती है जिसका नाम था पेली चुपूलू, और वो फिल्म इतनी मशहूर होती है, रोमांटिक कॉमेडी, विजय देवरकोंडा उसमें थे, जिसे मिलता है राष्ट्रीय पुरस्कार, और इतनी फेमस हुई कि उसके बाद बनती है 2018 में हिंदी फिल्म उसी की रीमेक मित्रों, जिसमें थे जैकी भगनानी। पूरी तरह से पिट जाती है वो फिल्म। और अब यानी कि 2021 में ओ मनिया पेन यानी कि ओ डियर ब्राइड इस नाम से एक फिल्म आई है तमिल भाषा की हॉटस्टार पे। ये तीनों फिल्में एक दूसरे की रीमेक है। कैसी है फिल्म, क्या नया है इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिल्म में जो मिसिंग था वो तमिल की फिल्म में मिसिंग नहीं है, बल्कि कार्तिक सुंदर जो इसके निर्देशक है, उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि इस बार कोई गलती ना हो। इसलिए तमिल भाषा में ये जो फिल्म है, रोमांटिक कॉमेडी जो बनाई है, वो बहुत ही फ्रेश है। और जो लोग रोमांटिक कॉमेडीज देखने के शौकीन हैं, भले ही फिल्म कितनी भी प्रिडिक्टेबल क्यों ना हो, हालांकि ये फिल्म भी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है और कई स्थानों पर ये बहुत ज़्यादा लंबी भी लगती है, और ऐसा लगता है एक दूसरी फिल्म को ये रिपीट कर रहे हैं। अगर आपने दूसरी फिल्में नहीं देखी है, पहली बार ऐसी कोई कहानी देख रहे हैं, तो शायद आपको ये फिल्म अच्छी लग सकती है। लेकिन तमिल भाषा के जो नुआंसेस हैं वो इस फिल्म में बहुत अच्छे से लाए गए हैं। भाषा बहुत ही अच्छी है। मुझे जितना सबटाइटल से समझ में आ रहा था, उससे यही लग रहा था कि फिल्म के संवाद बेहद अच्छे ढंग से लिखे गए हैं। तो हॉटस्टार पे ये रिलीज हो चुकी है। आप कोई रोमांटिक कॉमेडी देखना चाहते हैं तो इससे बेहतर फिल्म आपको नहीं मिलेगी। तो इस हफ्ते जाने मत दीजिए ये मौका और देखिए ओ मनिया पेन। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ खराब हो, बीर कीजिए, मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी मातृभाषा जो है उसमें मैं बात कर रहा हूँ। तो ये है रिव्यू कॉर्नर, मैं हूं तुषार उप्रेती। फ्रेशनेस जरूर है इसके अभिनेता अभिनेत्री में। कितना मजा आएगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।